फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, अभी हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और यह टॉपिक उतना कठिन तो नहीं है, बट बहुत सारे लोग इन टर्म्स में डिफरेंस नहीं कर पाते, जैसे टेबल माउंट, गुयॉट, आईलैंड, सी माउंट। तो आज का यह वीडियो बहुत छोटा सा होगा, बट काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरा होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और आज हम लोग इन्हीं कुछ अपने बेसिक्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे। आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफ़ी सिंपल सा मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, नेट पे आप सर्च करेंगे फिगर्स आपको बहुत मिल जाएंगे, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग कुछ और फिगर्स को भी बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक सिंपल सा फिगर है जिसमें जो हमारी डिफरेंट एबिसल हिल्स होती हैं, एबिसल प्लेन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने बॉटम रिलीफ ऑफ ओशन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। उस पूरे चैप्टर को अगर आप देख लेंगे, 50 मिनट का वो लेक्चर है, तो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बॉटम रिलीफ का वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो हम लोग का एबिसल प्लेन होता है, नेतली मैदान, उसमें तरह तरह की ज्वालामुखी निर्मित पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। ये सारी की सारी जो हिल्स हैं, ये वास्तव में वोल्केनिक हिल्स हैं, ज्वालामुखी से संबंधित ये पहाड़ियां हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है, आपको बस अंतर को समझना है। अगर आप अंतर समझ लेंगे तो आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सी माउंट, फिर लिखा हुआ है आईलैंड, और उसके बाद लिखा हुआ है टेबल माउंट और गुयॉट। सबसे पहले एक आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ, कोई भी ज्वालामुखी द्वीप है, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक समझ लें कि अगर कोई पहाड़ ज्वालामुखी का जो पर्वत है वो पानी के ऊपर अगर आ गया है, उसकी जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई ने जो वाटर लेवल है उसको क्रॉस कर दिया है, तो वो एक आइलैंड के फॉर्म में हो जाएगा। बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड्स हम देखते हैं पूरे विश्व भर में। हवाई का एग्जांपल हम सभी लोग जानते हैं, हवाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वोल्केनिक आइलैंड है। वहाँ बहुत जो है बड़े लेवल पे वहाँ वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, अभी जल्दी ही हुआ था। इसके बाद ये आप देखिए, ये भी नुकीला ही है, इसकी भी चोटी नुकीली ही है, लेकिन ये पानी के अंदर है, ये पानी के ऊपर नहीं है, ये पानी में, ये जल में डूबा हुआ है, ठीक। और ये थर्ड है जो कि जल में तो डूबा है बट इसका कोई पीक नहीं है, ये फ्लैट है। जैसे हम लोग जब पठार को पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पठार, जैसे बहुत सारे लोग अभी अगर पठार और पर्वत में डिफरेंस पूछा जाए तो हो सकता है ना बता पाए। ज़्यादातर लोग ये बताएंगे कि पठार, जो जियोग्राफी हो सकता है ना पढ़े हों, वो ये बताएंगे कि पठार की ऊंचाई कम होती है और पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है, और आप में से भी बहुत सारे लोग यही बताते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हम लोग का तिब्बत प्लेटो है वो बहुत सारे पर्वतों से ऊंचा है, तो फिर कैसे हम उसको प्लेटो कहते हैं? वास्तव में प्लेटो और पर्वत में जो हम डिवीज़न करते हैं, जो हम अलग अलग बांटते हैं दोनों को, वो हम इस बेस पे करते हैं कि उसकी जो पीक है वो है कि नहीं। जैसे माउंटेन में क्या होगा, माउंटेन्स में जो पीक होगी वो नुकीली होगी, शंक्वाकार होगी, लेकिन जो प्लेटो होते हैं उनमें कोई पीक नहीं होती, वो फ्लैट होता है। तो ये फ्लैट है लेकिन जल में डूबा हुआ है, ये नुकीला है, शंक्वाकार पीक है इसका, लेकिन ये, और ये भी जल में डूबा हुआ है, ये भी शंक्वाकार है, इसकी भी चोटी है, बट ये जल से ऊपर है, ये जलमग्न नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि सबसे पहले तो हम लोगों ने टर्म्स को समझ लिया कि अगर ज्वालामुखी जो पहाड़ी है उसका जो ऊपरी भाग है वो चपटा है, फ्लैट है, और जल में डूबा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे टेबल माउंट या गुयॉट, गुयॉट या टेबल माउंट। ये एक चीज आप बस अपने दिमाग में बैठा कर रख लीजिए कि जल में डूबी हुई वह पहाड़ी जो कि ज्वालामुखी पहाड़ी है और उसका जो ऊपरी भाग है वो फ्लैट है, वह है टेबल माउंट या गुयॉट। दूसरा आइलैंड, आइलैंड हम तब कहेंगे जब वो जो पहाड़ी है वो जल में डूबी नहीं है बल्कि
वो बाहर निकल आई है, और उसकी जो चोटी है वो शंक्वाकार है, मतलब उसके पास एक चोटी है, शंक्वाकार पीक है उसके पास, इसके पास कोई पीक नहीं है, ये फ्लैट है। और थर्ड सी माउंट, सी माउंट अब उसको हम उसको कहेंगे जिसके पास पीक भी है और वो ज्वालामुखी निर्मित भी है, बट वो जलमग्न है, जल में डूबी हुई है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि इन तीनों में अंतर को आपको स्पष्ट कर लेना है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए समुद्र के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है। अब जब यहाँ वोल्केनिक इरप्शन होगा और ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा, अब ज्वालामुखी पर्वत ये समुद्र तल के ऊपर आ गया, यहाँ पे क्या करेंगी जो वेव्स चलती हैं समुद्र में, जो वेव्स चलती हैं वो इसका इरोजन करेंगी, और इसका इरोजन करके उससे फिर ये जो चोटी है, जब इरोजन करेंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये चोटी खत्म हो जाएगी, ये फ्लैट हो जाएगी, और फ्लैट होने के बाद जो पहाड़ है वो धीरे धीरे नीचे की ओर सबमर्ज भी होगा और फिर वो गुयोट के फॉर्म में आ जाएगा। अभी हम इस चीज को और अच्छे से समझेंगे आगे, यहाँ बस मैंने थोड़ा सा बता दिया है। तो यहाँ पर अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वोल्केनिक पीक एक ज्वालामुखी पर्वत है ये, जो कि समुद्र तल से ऊपर है, और अगर समुद्र तल से अंदर ही ऐसे ही आकृति है तो उसको हम सी माउंट कहेंगे, और जो फ्लैट टॉप है तो वो हमारा गुयॉट हो जाता है। तो इतनी चीजें हम लोगों की अभी क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रख लीजिएगा अपने पास, और इसको ड्रॉ भी कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इसमें आप देख रहे हैं कि टेबल माउंट्स इरोडेड बाई वेव एक्शन, आईलैंड, सी माउंट्स, ये तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं, सी लेवल दिखाया गया है, नीचे टेंशन फ्रैक्चर्स, एस्थेनोस्फियर, ये सब बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। ये चीज़ें आप वैसे जानते भी होंगे कि एस्थेनोस्फीयर से जो है मैग्मा आता है और वही जो है उसी से फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उन कुछ चीज़ों से जोड़ के इस फिगर को दिखाया गया है, और काफ़ी सटीक तरीके से हमें इसमें डिफरेंस पता चल रहा है सभी पहाड़ियों में। यहाँ पर भी आप देखिए सी माउंट दिखाया गया है, वोल्केनिक आइलैंड दिखाया गया है, फिर मरीन इरोजन दिखाया गया है, और फिर गुयॉट दिखाया गया है। चारों का एक ये बहुत ही व्यवस्थित चित्र है। सी माउंट जल में डूबा हुआ है, वोल्केनिक आइलैंड बाहर निकला हुआ है, और फिर मरीन इरोजन होता है, और जो वोल्केनिक आइलैंड है उसकी जो चोटी है वो सपाट हो जाती है, और फिर वही बाद में थोड़ा जब नीचे धंस जाता है या और इरोजन हो जाता है तो वही गुयॉट के फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोगों को बेसिकली इसमें केवल जो शब्दावलियाँ हैं उसी पर इस यहाँ पर हम लोगों को फोकस करना है। अब यहाँ पर गुयॉट की थोड़ी एक अच्छे से डिफिनेशन मुझे मिली तो मुझे लगा इसको भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। गुयॉट्स आर सी माउंट्स दैट हैव फ्लैट टॉप्स बिकॉज ऑफ वेव इरोजन। फर्स्ट फिगर में आप देखिए सी माउंट राइजेज एबव वाटर, सी माउंट जो है वो पानी के जल के ऊपर निकल आया है। इरोजन बाई वेव्स फ्लैटन्स द टॉप ऑफ द माउंट, इरोजन होता है तो वो उसका फ्लैट रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, पीक ख़त्म हो जाती है। और थर्ड फिगर में आप देखिए द सी माउंट बिकम सबमर्ज्ड टू फॉर्म अ गुयॉट। तो इससे हमको एक ये हिंट समझ में आ रहा है, एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि सबसे पहले सी माउंट होता है, वही सी माउंट आगे चल के वोल्केनिक आइलैंड के फॉर्म में आता है, फिर वो वोल्केनिक आइलैंड बाद में इरोजन के द्वारा उसकी चोटी ख़त्म होती जाती है और वो धीरे धीरे गुयॉट के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, गुयॉट्स आर सी माउंट्स दैट हैव बुल्ट एबव सी लेवल, ओवर टाइम इरोजन बाई वेव डिस्ट्रॉयड द टॉप ऑफ द सी माउंट रिजल्टिंग इन अ फ्लैटेंड शेप। वही चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है, इन डिफिनेशंस को आप नोट कर लीजिएगा एक जगह क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है और मैं फिर से एक बार उसको दोहरा दे रहा हूँ। ये चित्र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। सबसे पहले सी माउंट है,
यही सी माउंट आगे चल के वोल्केनिक आइलैंड बनेगा, इसकी जब धीरे धीरे ये ऊपर उठेगा और फिर इसी पर मरीन इरोजन होगा और उसी से फिर गुयाट का फॉर्मेशन होगा अपरदन के द्वारा। सागरी जो धाराएं हैं वो अपरदन करेंगी। तो एक क्रम है, इसी क्रम में आप इस आपको ये याद करना है, सी माउंट, वोल्केनिक आइलैंड, फिर मरीन इरोजन होता है और फिर गुयाट होता है। गुयाट को ही हम टेबल माउंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो शब्दावलियाँ हैं उसके बारे में पता चला। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स देखेंगे, जैसे ही गुजॉर्ट का चित्र है, फ्लैट टॉप है इसका, कोई यहाँ पे हमें चोटी देखने को नहीं मिल रही है, बिल्कुल चपटा हुआ ये शिखर है। और आगे एक ऐसा है भी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि कई बार हम लोग के UGC नेट JRF वाले एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हमारे दिमाग में फिगर भी रहे तो भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को फिगर को याद करके ही सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक वोल्केनिक आइलैंड की पिक्चर है और आप सभी लोग परिचित होंगे, कभी कभी ना कभी आपने मूवीज़ में डिस्कवरी पर कहीं ना कहीं इस सारी सभी चीज़ें आपने देखी ही होंगी। अभी हाल ही में हवाई में एक बहुत ही बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था और जो लावा है वो मेन शहर तक प्रवेश कर गया था। ये भी एक वैसी ही वोल्केनिक आइलैंड की तस्वीर जहाँ पे इस समय देखकर लग रहा है कि इरप्शन हुआ है। और इसके बाद एक और हम इम्पॉर्टेंट तस्वीर देखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पीक है, ये एक सी माउंट देखने में लग रहा है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चोटी है बट वो जल में डूबी हुई है, वो जल से बाहर नहीं निकली है। तो ये इसका मतलब कि ये सी माउंट है, अगर जल से बाहर होती तो वोल्केनिक आइलैंड होता। यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फ्लैट टॉप्ड सबमरीन माउंटेन्स आर कार्ड, सी माउंट, एबिसल माउंट, गुयॉट और सी वोल्केनो। अब आप देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसका सही उत्तर दे देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला ही आपको शब्द यहाँ पे पकड़ना है, फ्लैट टॉप्ड, सी माउंट, एबिसल माउंट, सी वोल्केनो, गुयॉट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चारों के चारों जो ऑप्शन है ये ज्वालामुखी पहाड़ियों से ही संबंधित है और ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर किसी को बस इतना पता होगा, किसी के दिमाग में फिगर भी होगा कि फ्लैट टॉप किसका होता है, सी माउंट का फ्लैट टॉप नहीं होता। एबिसल माउंट एक बड़ा टर्म है, एबिसल माउंट के अंदर बहुत सारे माउंटेन्स आ जाते हैं, सी माउंट, गुयॉट और आपका वोल्केनिक आइलैंड, ये सब एबिसल माउंटेन का ही पार्ट हैं, सी वोल्केनोज भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर और सटीक जो उत्तर होगा वो होगा गुयॉट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि गुयॉट में जो शिखर होता है, जो उसका ऊपरी भाग होता है वो चपटा होता है, फ्लैट होता है। और ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद इस बार भी आया था, और ये मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, पेपर सॉल्व किए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये NTA का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसको रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लिया है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर फ्लैट टॉप पूछा जाएगा सबमरीन माउंटेन्स या एबिसल हिल के कॉन्टेक्स्ट में, तो फ्लैट टॉप सिर्फ और सिर्फ गुयॉट का ही होता है। ये थोड़ा उतना टफ नहीं है, बट इसीलिए थोड़ा इसको लोग गलत कर देते हैं क्योंकि नॉर्मल ओशनोग्राफी की बुक्स में, या नॉर्मल ओशनोग्राफी आप किसी बुक से पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की बुक में पढ़ते हैं, तो ये नहीं मिलता है। प्रॉपर आप जब ओशनोग्राफी की बुक पढ़ेंगे, जैसे सविन सिंह सर की, ट्रूजिलो या थर्मन की, किसी समुद्र विज्ञान की जो प्रॉपर बुक होती है उसमें ही ये थोड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि थोड़ी डीप चीज़ें हैं, ये ऊपर ऊपर वाली चीज़ें नहीं हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ओशनोग्राफी पढ़ तो लेते हैं कहीं से, क्योंकि सिलेबस छोटा है ओशनोग्राफी का, और ओशनोग्राफी आपको बहुत सारी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये गुयॉट, सी माउंट, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस नहीं की गई हैं। तो इसीलिए अलग अलग यूनिट की आप लोग अलग अलग किताबें भी रखिए और थोड़ी डीप स्टडी की आवश्यकता है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के लगता है कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बहुत कठिन है। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे इसे ही किसी छोटे से वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।